फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा मसालेदार बहुत ही टेस्टी लजीज नमकीन दलिये की रेसिपी, जो आप भी अपने घर में इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बना के अपने घर में खुद भी खा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खिला सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, मटर और आलू के साथ बहुत ही टेस्टी जो है बनाया हुआ ये दलिये की रेसिपी मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आपका अपने MCP होम क्रिएशन चैनल में। तो आज हम नमकीन दलिये की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने जो है मीठे दलिये की वीडियो अपलोड की हुई है, तो आज हम इसे नए तरीके से नमकीन स्वाद में बनाने जा रहे हैं। और देखना ये है कि मीठा दलिया तो अपने आप में वाह वाह था ही, और अब नमकीन का क्या स्वाद होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे मीठे दलिये का कोई जवाब नहीं है, तो इसी तरीके से नमकीन दलिये का भी कोई जवाब नहीं है। चलिए बना कर देखते हैं किस तरीके से कितना टेस्टी बनेगा ये नमकीन दलिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और जो मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी बन चुके हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं नमकीन दलिये की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, नमकीन दलिया बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिया है 1/4 कटोरी दलिया, और 1 कटोरी भर के मैंने जो है ये फ्रोजन मटर लिए हैं, और 1 मैंने इसमें आलू कट किया हुआ है, 1 बड़ा आलू, और 1 मीडियम साइज का जो है मैंने प्याज लिया है, और 2 मैंने हरी मिर्चें इसमें काटी है। ज़रूरत हो तो काट लो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैंने काट ली। बस इतनी सी ही सामग्री हमें चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी एडिशनल सब्जी और पड़ी है, कोई गोभी आप डालना चाहते हैं, कोई गाजर डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो मैंने हाफ जो है चमचा, ये जैसे बड़ा चमचा आता है, करछी जिसे कहेंगे सब्जी के लिए, ये हाफ मैंने इसमें तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम जो है इसमें ये जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और ये कुछ सरसों के दाने हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हमेशा ये सब्ज़ी में डालने के लिए। और अब जो है हमने ये जो प्याज और मिर्ची काटी थी ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें कोई टमाटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और साथ ही साथ मैंने जो है इसमें करी लीव्स और लिए हैं डालने के लिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और आपको पता ही होगा करी लीव्स के बेनिफिट्स कितने होते हैं। आप लाल मिर्च ज़्यादा कम या नहीं यूज़ करते हैं तो ब्लैक पेपर जो आती है, काली मिर्च पिसी आप डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मैंने इसमें हल्दी ऐड ऑन नहीं करी है, आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं इसमें जो वो कटे हुए आलू थे वो डाल दूँगी, और जो ये मैंने मटर लिए थे फ्रोज़न मटर मैंने वो डाल दिए हैं। मटर ज़रूर लीजिएगा, इसका बहुत अच्छा मतलब खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और हाँ, अब ये जो है दलिया जो है हम डालेंगे, एक्चुअली फ्रेंड्स ये दलिया रोस्टेड दलिया है, ये बाज़ार से ही मैंने रोस्टेड लिया था। आपके पास अगर रोस्टेड नहीं है तो आप नॉर्मल दलिया भी ले सकते हैं, उसे लेकिन धो लीजिएगा पहले, पानी से चुभ कर अच्छी तरह धो लीजिएगा। और इसमें मैंने इसे धोया नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसे धोने की ज़रूरत नहीं है, रोस्टेड का फ्लेवर थोड़ा और अच्छा मिलेगा आपको। अब हम इसमें पानी ऐड ऑन करेंगे, इसमें कोई माप से नहीं, अंदाजे से ही पानी डालेंगे। ये देखिए दलिया चावलों की अकॉर्डिंग जो है थोड़ा टाइम लेता है गलने में, ये देखिए जितना हमारा दलिया है उससे ऊपर हमने पानी रखना है। ये देखिए, जैसे 1 गिलास या 1 बड़ी कटोरी अगर दलिया है तो उसमें हम 4 कटोरी जो है पानी रखेंगे अंदाज़े से, लेकिन कटोरी का अंदाज़ा ना लेके अगर आप इस तरीके के अंदाज़े से चलेंगे तो बिल्कुल सही बैठता है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये कितना है दलिया, बस इतना ही हमने इससे ऊपर पानी रखना है, और अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं,
मगर बहुत ज़्यादा ना करें। अब हम इसमें जो है सॉल्ट ऐड ऑन करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए अब जो है हम इस कुकर को जो है अपने बंद कर देंगे। अब इसमें हमने हाई फ्लेम पे जो है 5 whistles जो है लगवानी है। तो चलिए देखते हैं, 5 whistles जो है हमारी आ चुकी हैं और प्रेशर भी मैंने निकाल लिया है। हमारा दलिया कितना तैयार हुआ है ये देखिए, दलिया हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कहीं से भी चिपका नहीं है, बट कुछ लोग ऐसा खाना भी पसंद करते हैं और थोड़ा सा ये और पतला होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर ऐसा अच्छा लगता है तो खा सकते हैं। दलिया लेकिन बन चुका है, आलू भी गल चुके हैं, सब कुछ। तो हम थोड़ा सा ऐसे ही पानी जो है इसमें डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पतला हो जाएगा, बस। ये देखिए हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए दलिये की। ये आप देख रहे हैं, ये वो थोड़ा गाढ़ा था इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा पानी रखा था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं अगर गाढ़ा बनता है तो आप किस तरीके से पतला कर पाएँ। कुछ लोगों को ये होता है कि अरे ऊपर से पानी डालेंगे तो कच्चा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, अब हम इसको 1 से 2 उबाले देंगे और जो है दलिया हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हल्का सा ढक दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ये उबलने लग जाए। 2 मिनट के करीब हम इसे उबाल लेंगे, ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए उबलना शुरू हो चुका है ये, तो देखिए दलिये में जो हमने पानी ऐड किया था वो अच्छे तरीके से उबल चुका है, दलिये में मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको जो है हम, ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में हमें दलिया चाहिए था। अब हम जो है इसको सर्व कर लेंगे। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए गर्मा गर्म दलिया हमारा तैयार है। ये देखिए बहुत ही लजीज, टेस्टी, मज़ेदार दलिया हमारा जो है बनके तैयार हो चुका है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नमकीन मटर वाला दलिया बना के अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा।